दोस्तों, यह है हॉरर लव हिंदी और आज मैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस मूवी की शुरुआत में एक लोकहार्ट नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करता है। वो लोकहार्ट पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लोकहार्ट को एक दिन अपनी कंपनी का एक लेटर आता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि लोकहार्ट को स्विट्जरलैंड भेजा जा रहा था क्योंकि वहाँ पर उनकी कंपनी का CEO प्रेमब्रोक एक वेलनेस सेंटर में गया हुआ था और वहाँ से अभी तक वापस नहीं आया और बिना CEO की इस कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। यह वेलनेस सेंटर स्विट्जरलैंड के पहाड़ी इलाके में था और जब लोकहार्ट वहाँ पर पहुँच रहा था तो रास्ते में उसे कुछ लड़के मिलते हैं जो कि उसकी ओर पत्थर फेंक रहे थे। लोकहार्ट को लड़कों का ऐसा बिहेव अजीब लग रहा था और वो ड्राइवर से पूछता है कि आखिरकार बात क्या है, जिस पर ड्राइवर जवाब देता है कि पहाड़ी के नीचे रहने वाले लोग पहाड़ों के ऊपर जाने वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत साल पहले पहाड़ों के ऊपर एक लॉर्ड हुआ करता था जिसने अपने खून और वंश को शुद्ध बनाए रखने के लिए खुद की बहन से शादी कर ली थी। ये शादी गांव वालों को पसंद नहीं आई और उन्होंने एक दिन उस लॉर्ड के महल में घुसकर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी यानी कि उसकी ही बहन को उसके ही सामने आग लगाकर जला दिया। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका था। ये एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पर लोग अपना इलाज कराने के लिए आते थे। लोकहार्ट उस सेंटर में पहुँचने के बाद में देखता है कि यहाँ पर आने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और ज़्यादातर लोगों की उम्र 50 से लेकर के 55 के बीच में है। लोकहार्ट अंदर रिसेप्शन पर जाकर प्रेमब्रोक के बारे में पूछता है जो कि उनकी कंपनी का CEO था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे ये कहकर मिलने नहीं देती कि यहाँ पर मिलने का टाइम 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में है जो कि अब निकल गया है और अब वो पेम्ब्रोक से कल ही मिल पाएगा। लोकहार्ट उस लेडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो बहुत दूर से आया है और उसे पेम्ब्रोक से मिलने दें, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ऐसा नहीं करती। फिर गुस्से में आकर लोकहार्ट अपनी कंपनी में कॉल करने को ट्राई कर रहा था लेकिन यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था और उसका कॉल नहीं लगता। फिर लोकहार्ट उस जगह पर ऐसे ही घूमता है जहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलता है जो कि एक छोटी सी बोतल से कुछ पी रहा था और उसे पूछने पर वो बताता है कि ये बस विटामिन की दवाई है। लोकहार्ट उस डॉक्टर को यहाँ पर आने का कारण बताता है जिस पर वो उसे कल उससे 10 बजे को मिलने को कहता है। और फिर लोकहार्ट बाहर आता है और पास ही में किसी होटल में रुकने के लिए निकल जाता है जो कि पहाड़ों के नीचे थी। जाते जाते लोकहार्ट एक अजीब सी लेडी को देखता है जो कि मेंशन के छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी हुई थी। और फिर रास्ते में अचानक सड़क पर एक भागता हुआ हिरण आता है जो कि लोकहार्ट की कार से टकराता है जिससे कि दोनों का भयंकर एक्सीडेंट होता है। लोकहार्ट को 3 दिनों के बाद में होश आया था और वो खुद अब वेलनेस सेंटर पर था। वो देखता है कि उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। उसे वहाँ पर एक डॉक्टर दिखता है जिसका नाम वोल्मोर था और उसी ने उसका ट्रीटमेंट किया था। वो उसे बताता है कि उसकी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और उसे यहाँ से ठीक होने के बाद में ही जाने दिया जाएगा। फिर डॉक्टर वोल्मोर लोकहार्ट को बड़ी अजीब चीज़ कहता है कि यहाँ के पानी में जादू है जो कि उसकी इंजरीज को 50% तक जल्दी से जल्दी ठीक कर देगा और इसीलिए वो समय समय पर पानी पीता रहे। लोकहार्ट फिर एक दिन पानी पीते समय उसमें अजीब सी काली चीज़ को नोटिस करता है जो कि गिलास में मौजूद थी और फिर वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर एक दिन लोकहार्ट उस सेंटर में वॉक पर भी जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि यहाँ पर आने वाले सभी लोग बड़े खुश रहते हैं। और फिर जब लोकहार्ट स्पा में जाता है तो फाइनली उसकी मुलाकात वहाँ पर पेम्ब्रोक से हो जाती है जो कि उसकी कंपनी का CEO था। लोकहार्ट उसे वापस चलने को कह रहा था लेकिन पेम्ब्रोक उसे सीधा मना कर देता है। फिर लोकहार्ट उसे कहता है कि उसके बिना कंपनी बंद हो जाएगी और लोकहार्ट के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पेम्ब्रोक उसके साथ वापस चलने के लिए भी मान जाता है। फिर लोकहार्ट रिसेप्शनिस्ट से कार अरेंज कराने को कहता है जहाँ पर वो उससे कहती है कि कुछ समय के बाद में कार वहाँ पर आ जाएगी। लोकहार्ट कुछ देर के बाद में बाहर टहलने जा रहा था जहाँ पर उसे एक हेला नाम की लड़की मिलती है। लोकहार्ट उसे बात करने की कोशिश करता है और वो बताती है कि वो यहाँ पर बचपन से है। लोकहार्ट उसे बताता है कि वो अपने CEO के साथ यहाँ से जा रहा है और ये सुनकर हेला उसे ये कहती है कि यहाँ पर एक बार जो आ जाता है वो कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा पाता, जो कि लोकहार्ट को सुनकर बड़ा अजीब सा लगा था। लोकहार्ट तुरंत जाकर पेम्ब्रोक को अंदर ढूंढता है लेकिन पेम्ब्रोक उसे कहीं पर नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो उसके रूम में भी नहीं था। फिर लोकहार्ट डॉक्टर वोल्मोर से पूछता है कि क्या उन्होंने पेम्ब्रोक को कहीं पर देखा है, जिस पर वो ये कहते हैं कि पेम्ब्रोक की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है और उसे कुछ दिनों तक यहाँ पर और रहना होगा। और देखते ही देखते लोकहार्ट की नाक से भी खून बहने लगा था, मतलब कि वो भी अब बीमार था और कुछ ही देर में वो धीरे धीरे बेहोश हो चुका था। जब उसकी आँखें खुलती है तो डॉक्टर वोल्मोर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था और उससे कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे रेस्ट और कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लोकहार्ट वहाँ पर रुकने के लिए तैयार तो हो गया था लेकिन उसे कुछ कुछ शक होने लगा था।
वो रात के समय चुपके से डॉक्टर के ऑफिस में जाकर वहाँ की फाइलों में से पेम्ब्रोक की फाइल चुरा कर ले आता है, जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि लॉकहार्ट का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। उसे एक पानी से भरे चैम्बर में डालकर उसे पाइप के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही थी और उसे 30 मिनट के लिए रखा जाना था। और यहाँ पर एक सुपरवाइज़र भी था जो कि उस पर लगातार नज़र रखे हुए था। फिर कुछ देर के बाद में वहाँ पर एक नर्स आती है और वो और सुपरवाइज़र दोनों रोमांस करने में बिजी हो चुके थे। इधर चैम्बर में लॉकहार्ट के पास में बहुत सारी ईल फिश आ रही थी और वो उनसे बचने के लिए सुपरवाइज़र का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो नर्स के साथ में कहीं और बिजी था। और अचानक से लॉकहार्ट का ऑक्सीजन मास्क भी निकल गया था और वो बिना मास्क के बस चैम्बर में तड़प रहा था। फिर तब भी सुपरवाइज़र की नज़र पड़ती है और वो आकर उसे वहाँ से निकालता है। बाहर आने पर लॉकहार्ट सुपरवाइज़र को ये बताता है कि चैम्बर के अंदर कई सारी ईल फिश थी जो कि उसके पास में आ रही थी, लेकिन सुपरवाइज़र उसे कहता है कि अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और शायद ऐसा हो सकता है कि अंदर लॉकहार्ट को हेलुसिनेशन हो रहा हो। ये सीन यहीं पर कट होता है और फिर बाद में लॉकहार्ट पेम्ब्रोक की फाइल चेक कर रहा था, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि उसके अंदर क्या है। जिसके दूसरे दिन लॉकहार्ट को विक्टोरिया नाम की एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि खुद यहाँ की पेशेंट थी। वो उसे बताती है कि यहाँ पर 200 साल पहले जो यहाँ का लॉर्ड था वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था और जो लोग नीचे पहाड़ी के नीचे रहते हैं उन्हें कई सारी लाशें मिली थी और इसीलिए उन्होंने लॉर्ड पर हमला किया था। विक्टोरिया लॉकहार्ट से बात करी रही थी कि तभी वहाँ पर एक वर्कर पहुँचता है और विक्टोरिया को उसका ट्रीटमेंट देने के बहाने ले जाता है, लेकिन विक्टोरिया लॉकहार्ट को जाते जाते कह जाती है कि ये एक डार्क प्लेस है जहाँ से कोई भी वापस नहीं जाता। और इसे सुनकर अब लॉकहार्ट को अब कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। वो ये डिसाइड करता है कि वो पहाड़ों के नीचे टाउन में जाकर ये पता करेगा कि यहाँ पर क्या चलता है। और जाते समय उसे हेला मिलती है जो कि उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर ले जाती है। दोनों टाउन में पहुंचकर एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर वो बियर ऑर्डर करते हैं। हेला ने कभी भी बियर नहीं पी थी और इसीलिए उसे बियर पसंद नहीं आती, और हेला वहीं पर उसके गले में लटकी हुई छोटी सी बोतल से पानी की कुछ बूंदें पी लेती है। लॉकहार्ट उससे सवाल करता है कि वो क्या पी रही है और वो कहती है कि ये विटामिन है, और वो उस पानी को लॉकहार्ट को भी पिलाती है। अब लॉकहार्ट हेला को यहीं पर छोड़कर टाउन के किसी डॉक्टर को ढूंढता है ताकि वो पेम्ब्रोक की रिपोर्ट उसे दिखा सके, लेकिन उसे वहाँ पर बस एक जानवर का डॉक्टर ही मिलता है और वो बस रिपोर्ट्स को देखकर कुछ ही चीज़ बता सकता है, जैसे कि पेम्ब्रोक की कंडीशन ठीक नहीं है और उसके दांत भी गिरते जा रहे हैं। इधर बार में हेला अकेली थी और वहाँ पर कुछ लड़के आकर उसे छेड़ते हैं। कुछ लड़के तो हेला की बॉडी को यहाँ वहाँ टच भी करते हैं। लॉकहार्ट वहाँ पर आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से लड़ भी नहीं पाता क्योंकि उसके पैर में अभी भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। जिसके बाद में वहाँ पर डॉक्टर वोल्मर पहुँचता है और उन्हें वहाँ से बचाता है, और वो हेला को अकेले बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। यहाँ पर लॉकहार्ट अपने रूम में था और वो देखता है कि उसका एक दांत टूटकर निकल रहा है। ये देखकर उसे डर लगने लगा था और उसे समझ आ रहा था कि शायद ये कोई एक्सपेरिमेंट है। वो इस जगह की अच्छे से जांच पड़ताल में लग गया था और वो एक रूम में पहुँचता है जहाँ पर कई सारे चैम्बर्स थे जिनमें कई सारी डेड बॉडीज थी, और यहाँ पर पेम्ब्रोक की डेड बॉडी भी थी। लॉकहार्ट को वहाँ पर विक्टोरिया भी मिलती है जो कि जिंदा हालत में थी। वो लॉकहार्ट को ये कहती है कि लॉर्ड की पत्नी का पेट काटकर गांव वालों ने पानी में फेंक दिया था और शायद उसका बच्चा जिंदा हो। तभी वहाँ पर फिर डॉक्टर वोल्मर पहुँचता है और कहता है कि तुम हमेशा उल्टी सीधी जगहों पर ही क्यों घूमते पाए जाते हो। लॉकहार्ट उससे कहता है कि उसे उनकी ज़रूरत है, लेकिन सभी उसे पकड़कर ले जाते हैं और जानबूझकर उसका एक दांत निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर उस सेंटर के बाहर एक दूसरी पेशेंट आई हुई थी और लॉकहार्ट खुद को जैसे तैसे बचाता हुआ उसकी कार में पहुंच जाता है और ड्राइवर को यहाँ से निकलने को कहता है। लॉकहार्ट सीधा पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर वो बताता है कि ऊपर पहाड़ों में बने सेंटर में लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उसने वहाँ पर कई सारे लोगों की डेड बॉडीज़ को देखा है जिनमें उनकी कंपनी का CEO भी था। लॉकहार्ट उस ऑफिसर को अपनी परेशानी बता ही रहा था कि तभी वो उठकर जाने लगता है और लॉकहार्ट वहाँ पर देखता है कि उसके वहाँ पर भी विटामिन की बोतल पड़ी हुई थी। फिर तभी वहाँ पर डॉक्टर वोल्मर भी पहुँच जाता है। डॉक्टर ऑफिसर से कहता है कि लॉकहार्ट एक मेंटल पेशेंट है और उसके साथ में पेम्ब्रोक भी था, जिसे देखकर लॉकहार्ट भी चौंक गया था क्योंकि उसने उसकी डेड बॉडी को देखा था। डॉक्टर वोल्मर लॉकहार्ट को कन्विंस करता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार हो रहा है और लॉकहार्ट को भी ऐसा लग रहा था, जिसके बाद में वो वहीं पर अपनी थेरेपिस्ट लेना शुरू कर देता है। एक दिन वो कुछ सोच रहा था और वो अपने पैर का प्लास्टर हटा देता है तो उसे पता लगता है कि उसका पैर ठीक है और वो चल सकता है। लॉकहार्ट चलकर एक एक्सपेरिमेंट रूम में जा पहुंचता है जहां पर वो इंसानों को खाने वाली ईल मछलियों के स्केचेस को देखता है।
उसे वहाँ पर एक बड़ा सा पूल दिखता है जिसमें विक्टोरिया की डेड बॉडीज को डाला जा रहा था और वहाँ पर मौजूद बहुत सारी ईल मछलियाँ उसकी बॉडीज को खा रही थी। इधर हमें देखते हैं कि हेला को अपना पहला मेंस्ट्रुअल हुआ था जिससे कि वो घबरा कर डॉक्टर वोल्मर के पास आई थी क्योंकि डॉक्टर उसे अपनी बच्ची जैसा प्यार करता था। अब लोकार्ड वहाँ पर पहुँचता है और वो सभी को ये कहता है कि डॉक्टर वोल्मर वहाँ पर लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है जहाँ पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता और फिर लोकार्ड को ज़बरदस्ती एक चेंबर में डाल देते हैं जहाँ पर डॉक्टर वोल्मर उसे बताता है कि दूसरी जगह पर लोग 70 से 80 साल जीते हैं लेकिन यहाँ पर लोग 200 से 300 साल जी जाते हैं क्योंकि यहाँ के पानी में जादू है। लेकिन इंसान इस पानी को सीधा नहीं पी सकता और इसीलिए उसे यहाँ पर पहले प्योरीफाई किया जाता है। यहाँ पर वो सभी पेशेंट्स को रोज़ पानी पिलाकर उन्हें चैम्बर में बंद करते हैं और जो पसीना उनकी बॉडी से निकलता है वो प्योर पानी होता है जिसे कि वो एक बोतल में डालकर रखा करते हैं और जो कोई भी इस पानी को रोज़ पिएगा वो कम से कम 200 से 300 सालों तक जिंदा रहेगा और इसीलिए यहाँ के सभी डॉक्टर्स और हेला इस पानी को पीते थे। इस प्रोसेस को आज से 200 साल पहले शुरू किया गया था और फिर डॉक्टर वोल्मर लोकार्ड के मुंह में एक पाइप घुसाकर उसमें ईल्स मछली को छोड़ देता है और जैसे ही ईल्स मछलियाँ पाइप के जरिए उसकी बॉडी में घुसती है उसका पसीना यानी कि प्योर वाटर बाहर आने लगता है जिसे वो बॉटल में स्टोर कर लेते हैं। अभी सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि हेला अब यंग हो चुकी थी और उसकी शादी डॉक्टर वोल्मर से हो रही थी। लोकार्ड चुप नहीं बैठता और जब हेला और वोल्मर की शादी हो रही थी तो वो वोल्मर के रूम में घुसकर फोटोग्राफ्स को चेक करता है और वहाँ पर उसे पता लगता है कि 200 साल पहले जो यहाँ का लॉर्ड था वो वोल्मर ही था। उसकी पत्नी या यूं कहें तो उसकी बहन मर गई थी लेकिन उनकी बच्ची हेला जिंदा थी। वो पिछले 200 सालों से जिंदा थे और हेला को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तो और वोल्मर अपनी ही बच्ची के साथ शादी कर रहा था। हेला ये शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन वोल्मर ये सब जबरदस्ती कर रहा था। वो हेला को बेड से बांधे हुए था और वो उसके साथ में ज़बरदस्ती सेक्स करना चाहता था कि तभी वहाँ पर लोकार्ड पहुँचता है और वो डॉक्टर से कहता है कि वो अपनी ही बच्ची के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर डॉक्टर जवाब देता है कि वो इस पल का पिछले 200 सालों से इंतज़ार कर रहा था। वो अपने हाथों को अपने चेहरे के पास में ले जाकर वहाँ से अपनी चमड़ी उतारता है जिससे कि उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। डॉक्टर अब लोकार्ड को मानने ही वाला था कि लोकार्ड वहाँ पर अपने लाइटर से आग लगा देता है लेकिन फिर भी वोल्मर ही जीत रहा था और हेला देखती है कि वोल्मर लोकार्ड को मार देगा और इतने में वो एक कुल्हाड़ी को वोल्मर के सिर में दे मारती है जिससे कि वोल्मर वहीं पर मर जाता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि लोकार्ड हेला को लेकर बाहर आता है और सभी देखते हैं कि पूरा के पूरा हॉस्पिटल आग में जल रहा है। वहाँ के सभी पेशेंट्स इसे देखकर डांस कर रहे थे क्योंकि उनकी मानसिक शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी। लोकार्ड हेला के साथ में उसकी साइकिल से भाग रहा था और तभी उसका एक्सीडेंट उसकी कंपनी के लोगों से होता है जो कि उसे यहाँ से लेने आए थे। लोकार्ड कंपनी वालों के साथ में वापस न जाकर हेला के साथ जाने को डिसाइड करता है और उसके चेहरे पर हम एक शैतानी हंसी को देखते हैं। ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है और ये हो सकता है कि लोकार्ड हेला के साथ यहीं पर रहकर खुद को 200 सालों तक जिंदा रखे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपको कंटिन्यू यहाँ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।